दुख के बाद छुड़ावा बुआ के खोइचा बार है, खोइचा बार है। हाय बाबू की सो के कह दी छठ पूजा। ए बाबू कटवा लिया है। तोर को ने खैर अच्छा हो गया आज बाबू। अरे दूना नहीं कुतुम कर मशीन से करेगा। आराम से कुछ होगा भी नहीं उससे। ऐसे आप सब हेलो तो ये वीडियो है मेरी बाबू के मुंडन का जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में सब लोग गए थे यहाँ पे मंदिर पे हमारे घर के थोड़ी दूरी पे। अब बाबू का बाल नहीं दर्द करेगा। बाबू का मुंडन हो गया था बहुत अब नहीं दर्द करेगा। नॉर्मली हुआ था लेकिन अब बाबू को रोएगा नहीं। बाबू ने जितने भी लोग मतलब जो मेरे फैमिली और इनके फैमिली वाले बस हम ही लोग गए थे। बस बाबू बहुत परेशान हो गया था बालों से और हम भी कटवा ही दे रहे 5 साल तक नहीं रुक सकते। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता और ये इरिटेट हो रहा था बालों से। नहीं नहीं बाल कटाया और बस आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और बाबू बस लास्ट में थोड़ा सा रोने लगा था और बस मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही थी क्योंकि हम लोग के यहाँ जब मुंडन हो जाता है तो मुंडन ज़्यादातर हम लोग के यहाँ कामाख्या में होता है लेकिन अभी जाने का टाइम नहीं था। ये 1 साल पहले का वीडियो है तो हम लोगों ने खिड़किया पे ही कर दिया था। तो जब वहाँ पे मुंडन होता है तो ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं सिर पे तेल और पीले वाले सरसों से जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो बाबू मुझको बनाने भी नहीं दे रहा था, वो रो रहा था इधर उधर भाग रहा था। तो ये जो आप हाथ देख रहे हैं वो हाथ पापा का है मेरे। उनका आवाज और उनका हाथ लोग देखे वो आज भी मेरे सपने में आते हैं ऐसे ही इसी पीले कुर्ते में। बस अब क्या ही कहूँ, बस आप लोग देखिए जो भी हमारे फैमिली वाले हैं इस वीडियो को देखेंगे तो शायद वो भी